हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड दोस्त, अगर आपके पास Redmi का Redmi Note 10 Pro या फिर Redmi Note 10 Pro Max का डिवाइस है, तो दोस्तों फाइनली आपके लिए काफ़ी बड़ी सरप्राइज गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों MIUI 13 का तीसरा अपडेट काफ़ी जल्द या Redmi Note 10 Pro सीरीज के लिए देखेंगे रोलिंग आउट होना चालू हो चुका है। क्योंकि दोस्तों 15-20 दिन पहले से ही 13.0.3.0 का अपडेट मिल चुका था, उसके बाद दोस्तों तुरंत देखेंगे कल से 13.0.4.0 का एक और लेटेस्ट न्यू अपडेट फाइनली Xiaomi की तरफ से Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max दोनों ही डिवाइसेस के लिए देखेंगे रोल आउट होना चालू हो चुका है। इस अपडेट के साइज के बारे में बात करेंगे तो 710 MB का अपडेट है एंड काफी सारे पुराने बग्स को फिक्स किया गया है। एंड साथ ही साथ दोस्तों कुछ आपको लेटेस्ट न्यू चेंज लॉग भी इस अपडेट के बाद देखने को मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, क्या कुछ चेंज लॉग फीचर्स आपको इस अपडेट के बाद मिल जाते हैं, सारे के सारे इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। सो बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपकी भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप एक Redmi Note 10 सीरीज के यूजर्स है एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को इनेबल कीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमारे चैनल पे रेगुलर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैंने इस अपडेट को सक्सेसफुली इंस्टॉल किया है एंड अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद हम जाएंगे अबाउट फोन सेक्शन में। अबाउट फोन सेक्शन में जाने के बाद अपडेटर में देखेंगे आपका वर्जन 13.0.4.0 हो चुका है। इसके वजह से व्हाट्स न्यू में जाएंगे, तो व्हाट्स न्यू में जाने के बाद आपको वही टिपिकल लाइन देखने को मिल जाती है, अपडेटेड एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच एंड इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी। इसके अलावा कुछ भी चेंजेस नहीं है। बाकी दोस्तों नीचे के साइड में देखेंगे आपको जो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल है, आपको 1.5 मतलब यार लेटेस्ट इसी मंथ का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, मतलब कि मई के मंथ का लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। मई के अपडेट में आपको मई का ही सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि यार प्रीवियस अपडेट में काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे कि उनका जो मेमोरी एक्सटेंशन अगर आप इनेबल करेंगे या फिर डिसेबल करेंगे, फिर भी आपके अबाउट फोन सेक्शन में आपको जो रैम एक्सपेंशन का फीचर थे वो यहाँ पर शो होता था। जैसे दोस्तों 6+1 GB है, 6+2 GB है। सो अगर आप मेमोरी एक्सटेंशन को इनेबल करते थे तो आपको यहाँ पे 6+2 GB तो शो हो जाता है, बट दोस्तों अगर आप मेमोरी एक्सटेंशन को ऑफ करते हैं, रिबूट करते हैं, फिर भी आपको 6+2 GB यहाँ पे शो होता था। बट दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉब्लम था वो भी फिक्स किया है। अगर आप डिसेबल करेंगे तो आपको कोई भी प्लस का रैम एक्सपेंशन का फीचर नहीं मिलेगा, अगर आप इनेबल करेंगे भी आपको 6+2 GB शो हो जाएगा। ये जो ट्रांसपेरेंसी, ये जो ऑप्टिमाइजेशन है, वो भी आपको इस अपडेट के बाद देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे सिस्टम लॉन्चर ऑप्टिमाइजेशन आफ्टर अपडेट, क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे एप्लीकेशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग के जो एनिमेशन है काफी स्मूथ हो चुका है। आप देखेंगे वॉलपेपर का भी आपको जूमिंग जूम आउट का एनिमेशन मिल जाता है एंड काफी स्मूथली एप्लीकेशन ओपन होते हैं, काफी स्मूथली क्लोज हो जाते हैं। एंड दोस्तों ये जो ऑप्टिमाइजेशन से काफी बेटर आपको सिस्टम लॉन्चर के अपडेट के बाद मिल जाता है, बट ये जो 13.0.4.0 का अपडेट है वो भी यार काफी कंपेटिबिलिटी है इसी न्यू सिस्टम लॉन्चर के अपडेट के लिए। बाकी दोस्तों होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाएंगे एंड होम स्क्रीन सेटिंग में जाने के बाद जो विजेट्स का आइकॉन है वो तो आपको MIUI 13 के बाद ही मिला था, बट दोस्तों इस विजेट्स में अभी तक कोई भी लेटेस्ट न्यू विजेट्स ऐड करने का अभी तक सपोर्ट तो देखने को नहीं मिलता। बट दोस्तों अगर हम जाएंगे होम स्क्रीन के सेटिंग्स में, सेटिंग में जाने के बाद आप देखेंगे आपको एनिमेशन रेट का एक नया फीचर मिल जाएगा। ऑफिशियली दोस्तों इस अपडेट के बाद ये तो फीचर देखने को नहीं मिलता, बट दोस्तों अगर आपको ये फीचर इनेबल करना है तो आप अपने फोन का जो सिस्टम लॉन्चर उसको एक बार जरूर अपडेट कीजिए। सो सिस्टम लॉन्चर अपडेट करने के बाद आपको जो एनिमेशन रेट का फीचर है वो मिल जाएगा, जिसके जरिए अगर आपको जो एप्लीकेशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग की जो स्पीड है वो अगर आपको कम ज्यादा सेट करना है, अगर आपको बहुत ही ज्यादा स्मूथ चाहिए, तो आप यहाँ पे मिनिमलिस्टिक मतलब कि फास्टर एनिमेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको विजेट्स का कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन अगर हम जाएंगे ऐप वर्ल्ड में एंड ऐप वर्ल्ड में जाने के बाद आपको काफी सारे लेटेस्ट न्यू ऐप वर्ल्ड में विजेट्स ऐड करने का सपोर्ट मिल जाता है। एंड दोस्तों ऐप वर्ल्ड में जितने सारे विजेट्स है, सेम टू सेम विजेट्स अगर आपको होम स्क्रीन पे ऐड करना है तो भी आप होम स्क्रीन पे ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फोन में सारे के सारे विजेट्स ऐड किए, वो भी होम स्क्रीन पर। सो इसका भी मैंने एक ट्रिक का वीडियो बना के रखा है, सो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई कार्ड पे उस वीडियो को चेकआउट करके देख सकते हैं कि कैसे आप अपने होम स्क्रीन पर विजेट्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक छोटे से UI चेंजेस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको गेट ऐप्स के एप्लीकेशन में मिल जाता है। तो गेट एप्लीकेशन ओपन करेंगे, गेट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद प्रोफाइल
के ऊपर क्लिक करेंगे। सो प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका यूजर इंटरफेस इस टाइप से देखेंगे चेंज हो चुका है। आपको लगा होगा ये कोई क्लीनर वगैरह है, सो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी क्लीनर या फिर कोई भी ऑप्टिमाइजेशन का यूआई नहीं है। आप देखेंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अपडेट ऑल मतलब कि जितने सारे सिस्टम के एप्लीकेशन है एक ही टाइम पे देखेंगे अपडेट चालू हो जाएंगे। एंड दोस्तों इसी सिस्टम एप्स अपडेट में क्लिक करेंगे तो आपको गैलरी का अपडेट आ चुका है, नोट्स का एप्लीकेशन आ चुका है, उसका भी अपडेट आ चुका है। तो सारे सिस्टम की जो एप्लीकेशन है उसको जरूर अपडेट कीजिए ताकि आपको एक और नए फीचर्स मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगले यूआई चेंजेस के बारे में बात करेंगे, जो कि मुझे नोट्स एप्लीकेशन में जो क्विक नोट्स है उसका यूआई चेंजेस मिला है। सो फ्रेंड्स आप नोट्स एप्लीकेशन में जाएंगे, क्विक नोट्स को इनेबल करेंगे। सो क्विक नोट्स को इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे इससे पहले आपको जो ट्रांसपेरेंसी था वो आपको देखने को नहीं मिलता था, बट दोस्तों होम स्क्रीन पे देखेंगे अगर आप यहाँ पे इस मेथड से क्विक नोट्स को एक्सेस करेंगे सो जो बैकग्राउंड देखेंगे आपको ट्रांसपेरेंट एंड ब्लर इफेक्ट देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं मैंने क्विक नोट्स को स्वाइप किया है एंड क्विक नोट्स को स्वाइप करने के बाद होम स्क्रीन पर स्वाइप होने के बाद टास्क एंड उसके ऊपर नोट्स देखेंगे एंड बैकग्राउंड भी देखेंगे पूरा या फिर ट्रांसपेरेंट ब्लर इफेक्ट हो चुका है। एंड दोस्तों इससे पहले आपको इस टाइप का थोड़ा सा ग्रे टाइप का या फिर व्हाइट टाइप का बैकग्राउंड मिलता था एंड मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी कैप्चर करके रखा था। सो आप देखेंगे आपको ग्रे टाइप का या फिर व्हाइट टाइप का जो बैकग्राउंड था वो हटा के आपको एक ट्रांसपेरेंट एंड ब्लर इफेक्ट ऐड किया है। सो ये भी एक छोटा सा मुझे चेंजेस मिला है। इसलिए दोस्तों अगर आपने मी नोट्स एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया तो जरूर जरूर आपने मी नोट्स को एक बार जरूर अपडेट कीजिए। चलिए दोस्तों अगले कुछ चेंज लॉग फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में जाएंगे तो आपको कंट्रोल सेंटर स्टाइल का अभी तक चेंजेस नहीं है, बट दोस्तों उसके नीचे के साइड में देखेंगे आपको एडिशनल कार्ड का एक छोटा सा ऑप्शन आ चुका है। एंड दोस्तों एडिशनल कार्ड्स में देखेंगे आपको जितने सारे फंक्शंस है मतलब कि मी स्मार्ट प्ले है, उसके बाद मी स्मार्ट होम है। सो अगर आपको एंड्रॉइड और स्टार ए को इनेबल करना है, स्मार्ट सर्विसेज को इनेबल करना है, मी होम को इनेबल करना है तो ये सारे के सारे कंट्रोल सेंटर के जो भी कार्ड्स है आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आई डोंट नो दोस्तों ये फीचर पहले था कि नहीं था, बट इस अपडेट के बाद मुझे थोड़ा सा शो हो गया है इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इस अपडेट के बाद आपके फोन के साथ फिंगरप्रिंट का प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कि दोस्तों हम जाएंगे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद अगर हम यहाँ पे पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे एंड पैटर्न को सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको कोई नया ऐप पर फिंगरप्रिंट को रजिस्टर करना है तो रजिस्टर करने के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट कभी भी रजिस्टर नहीं होगा। अब देखेंगे पैटर्न को अगर हम सिलेक्ट करने जाएंगे तो आपको फिंगरप्रिंट रजिस्टर करने का कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलता। ये एक प्रकार से बग्स है जो कि इस अपडेट के बाद आपको ये बग्स मिला है फिंगरप्रिंट रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन दोस्तों पैटर्न से अगर आपका फिंगरप्रिंट रजिस्टर नहीं होता है तो आप यहाँ पे पिन का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों पिन का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको फिंगरप्रिंट को रजिस्टर करने का ऑप्शन इनेबल हो जाता है। तो इस मेथड से आप अपने फोन का जो फिंगरप्रिंट है उसको यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। सो फिंगरप्रिंट का अगर आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों गेम टर्बो के बारे में बात करेंगे, मतलब कि गेम टर्बो के फीचर्स एंड गेम टर्बो का जो यूजर इंटरफेस है उसके बारे में बात करेंगे। तो मी सिक्योरिटी ऐप में जाएंगे, यहाँ से गेम टर्बो को ओपन करेंगे तो मेरे हिसाब से जो भी ग्लोबल स्टेबल का जो गेम टर्बो था वही का वही आपको गेम टर्बो का यूआई मिल जाता है। सो मैंने कोई भी यहाँ पे गेम टर्बो का अपडेट नहीं किया है, मैंने वही का वही आपको जो भी बाय डिफॉल्ट सिस्टम का एप्लीकेशन वही रखा है। सो मेरे हिसाब से देखेंगे जो भी इंडियन स्टेबल रॉम का जो ग्लोबल स्टेबल रॉम का जो गेम टर्बो है वही आपको ये मिल जाता है। बाकी तो हम किसी भी गेम को लॉन्च करेंगे एंड गेम को लॉन्च करने के बाद जो गेम साइड बार है सो गेम साइड बार को स्वाइप करेंगे तो ऊपर के साइड में देखेंगे हल्के से आपको थोड़े से एनिमेशन में आपको चेंजेस मिले हैं। वैसे दोस्तों ये जो फीचर्स है सारे के सारे आपको पहले से मिलते थे, बट ऊपर के साइड में जो कॉर्नर है गेमिंग मोड का जिसमें बैलेंस मोड है, परफॉर्मेंस मोड है, ये में मुझे थोड़ा सा अलग से चेंजेस मिला है। बाकी दोस्तों ज्यादा कुछ खास इसमें आपको कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलता। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले चेंजेस के बारे में, जो कि मुझे गैलरी ऐप में चेंजेस मिले हैं, जो कि ऑफिशियली आपको इस अपडेट के बाद ये चेंजेस मिला है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम जाएंगे गैलरी एप्लीकेशंस में एंड गैलरी ऐप में जाने के बाद किसी भी फोटो को सिलेक्ट करेंगे एडिट करने के लिए, तो चलिए मैंने यहाँ पे एडिट का जो बटन उसके ऊपर क्लिक किया तो आपका जो यूजर इंटरफेस है ऑफिशियली आपको चेंज हो चुका है। जैसे कि बेसिक है ये है एंड प्रीवियस काफी सारे अपडेट्स में मैंने आपको बताया कि बेसिक में आपको बेसिक टाइप की एडिटिंग मिल जाती है एंड AI की जो एडिटिंग होती है जिसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एडिटिंग होती है, जिसमें देखेंगे आपको इरेज का ऑप्शन मिल जाता है, रिमूव पीपल्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। सो ऊपर आप देखेंगे आइकॉन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो कैसे आपको पीपल्स को रिमूव करना है, कैसे अनवांटेड पार्ट्स को रिमूव करना है उसका आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ये जो फीचर्स अगर आपने APK फाइल इंस्टॉल करके इनेबल किया होगा सो आपको इस अपडेट के बाद ऑफिशियली मिलता है, कोई भी आपको APK फाइल वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ही सारे के सारे फीचर्स आपको इस अपडेट के बाद आपके फोन में मिल जाते हैं। सो गैलरी एप्लीकेशन में बस मुझे यही थोड़े से चेंजेस मिल चुके हैं, जो कि एडिटर में मुझे थोड़े से चेंजेस मिले हैं। बाकी दोस्तों जो फीचर्स है प्रोटेक्टिव वाटरमार्क, ये काफी सारे फीचर्स आपको पहले से ही मिल जाते हैं। सो इसके अलावा अगर
आपके फोन में कोई भी एक्स्ट्रा फीचर मिलता है सो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही था Redmi Note 10 Pro Max का 13.0.4.0 का अपडेट। इस अपडेट के बाद आपकी क्या राय है आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।